नमस्कार, वक्त हो गया है यूपी 360 का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं दावों के सच की। एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी तरफ विकास का ऐसा सच सामने आया है कि जिसने तरक्की की डरावनी तस्वीर दिखाई है और इसकी गवाह भी खुद सरकार ही बनी है। दरअसल विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने सत्र के दौरान श्रम मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या प्रदेश में बेरोजगार बढ़ी है। साथ ही सीएम के अर्थ एवं संख्या विभाग से भी पूछा था कि क्या प्रदेश में विकास दर कम हुई है। और हैरत की बात यह है कि दोनों ही सवालों का जवाब सरकार ने हां में दिया है। बकायदा इसका जवाब दोनों ही महकमों ने लिखित में दिया है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है ये यूपी सरकार का महकमा ही कह रहा है, विकास दर कम हुई है ये भी यूपी सरकार का एक विभाग ही कह रहा है। ऐसे में विपक्ष के हाथ एक सुनहरा मौका मिल गया है और लिखित में जवाब दोनों ही महकमों की ओर से दिया गया है। आज मैंने एक सवाल सरकार से पूछा, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है? सरकार का जवाब आया है जी हां। मैंने जो सरकार से जानना चाहा कि जब सरकार ने इतनी इतनी घुफड़ाई की थी, मुख्यमंत्री जी ने भाषण में पहले भाषण में कहा था खत्म करेंगे रोजगार देंगे, उनके आंकड़ों में जो पंजीयन हुए हैं जो बेरोजगार उसमें 21,03,918। मैंने पूछा सरकार से जानना चाहा, जहां आपने रोजगार देने की बात करोड़ों में की थी वहां इतने लाख लोगों को रोजगार कब देंगे? सरकार जवाब नहीं देना चाहती। सरकार बेरोजगारों के साथ सिर्फ मजाक करना चाहती है। तो कांग्रेस के एक सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि क्या प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, क्या प्रदेश में विकास दर कम हुई है, और इसका जवाब हां में मिला है। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, इन दो सवालों के जवाबों ने सरकार के बड़े बड़े दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज विधान परिषद के में जो एमएलसी हैं दीपक सिंह कांग्रेस के, दो सवाल उन्होंने पूछे थे, तारांकित प्रश्न थे ये। पहला सवाल था श्रम विभाग का कि क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। उसके जवाब में जो जवाब दिया गया सदन के अंदर, उसमें कहा गया कि बेरोजगारी बढ़ी है, पिछले सालों की तुलना में बेरोजगारों की संख्या जो रजिस्टर्ड हुई है वो ज्यादा है, लिहाजा कहा जाएगा कि बेरोजगारी बढ़ी है और इसके लिए इसे कम करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसका जिक्र किया है। तो जिस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कम हुई है, कम से कम सरकार सदन में इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो है, आंकड़े जो है बेरोजगारी के वो बढ़े हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, कोई रोजगार के नए उपाय नहीं कर पाई है सरकार, इस बात का उसमें जिक्र है। दूसरा तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है, और सरकार इस बात को खुद सदन के अंदर विधान परिषद के अंदर कबूल भी करती है। विनोद, जहां एक तरफ तमाम आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे हैं कि पिछली सरकार के मुकाबले में मौजूदा बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की आवाम की बेहतरी के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं, ऐसी स्थिति में ये दो जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस पर सरकार को घेरा भी गया है सदन के अंदर। सवाल यही थे कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार ये दावे करके आई थी कि वो युवाओं को रोजगार देगी, विपक्ष का यही कहना था कि केंद्र में भी सरकार ने दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, यूपी में भी दावा किया गया था कि बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह है और खुद सरकार भी मानती है कि आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने का कोई नया उपाय नहीं किया है सरकार ने, नौकरियां नहीं मिली हैं, नए नौकरियां, सरकारी नौकरियां कम से कम बिल्कुल भी नहीं मिली हैं। जिन लोगों की को पिछले सरकारों में नौकरियां मिली थी, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट थे, उन नौकरियों को एग्जाम्स को रोक दिया इस सरकार ने, तो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। सरकार इस बात को कबूल करती है और कहीं ना कहीं इसीलिए विपक्ष के निशाने पर भी है।
बिल्कुल विपक्ष के निशाने पर है और काउंटर करने के लिए इस वक्त सरकार के पास फिलहाल कोई यहां पर उपाय नजर नहीं आ रहा है, कोई और डेटा सरकार नहीं पेश कर पा रही क्योंकि उसके खुद के महकमों ने कहा है कि हां प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, विकास दर कम हुई है। शुक्रिया विनोद मिश्रा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और कांग्रेस के एक मेंबर के सवाल के जवाब में ये आया है तो देखने को मिला है कि जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, विकास दर कम हुई है, ये तस्वीर डराने वाली है, सोच पर सवाल खड़े करने वाली है। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के चौथे दिन अनुपूरक बजट पर बोलते हुए कहा कि यूपी में अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट ये पेश हुआ है। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष को घेरा भी और कहा कि विपक्ष की सरकार के समय के कारनामे सामने ना आए, इसीलिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2014 में देश में बीजेपी की कल्याणकारी सरकार बनी थी जिसके बाद किसानों को बीच में रखकर नीतियां बनाई गई। उन्होंने बताया कि यूपी पहला राज्य है जिसने फसल ऋण माफी को पूरा किया। सीएम योगी ने बताया कि गन्ना किसानों के भुगतान का पिछली सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी सरकार गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है। इस अनुपूरक बजट में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरनाक हैं, समाज की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक हैं, उन लोगों के मुकदमों को वापस लेना यह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ सिद्ध चेष्टा करने का प्रयास किया था कि आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेने की कुछ सिद्ध चेष्टा की थी। आज इस देश के अंदर असम की सरकार ने एनआरसी के मुद्दे पर जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है वो एक सार्थक पहल है। वास्तविक तथ्य सामने ना आ जाए और जिन लोगों ने इस प्रदेश को और इस प्रदेश की जनता को हमेशा कड़घरे हमेशा अंधेरे में रखा है, वे स्वयं कड़घरे में न खड़े हो जाएं। इसलिए उनको एक बहाना चाहिए था, बहाना उनको मिला, वे लोग सदन से वॉकआउट उनका एक बहाना था। लेकिन वास्तविकता है कि उनकी सरकार के समय के वे कारनामे प्रदेश की जनता के सामने न आने पाए, इसलिए बहुत से वे लोग भागे हैं। 2017-18, 16-17 तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी बिलों पर था। सत्ता और चीनी मिल मालिक आपस में मिलकर के किसानों का शोषण किस रूप में करते थे कि 5 वर्ष का 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का चीनी मिलों पर था, लेकिन सरकार के स्तर पर कभी भी कोई प्रभावी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं हुआ। ये सच्चाई सामने ना आने पाए, इसलिए सदन को बहस का केंद्र बिंदु ये नहीं बनने देना चाहते। सदन में बहस ना हो, इसके लिए उनका वॉकआउट है कि कहीं ये सच्चाई ना आ जाए, कहीं जनता इनसे पूछने लग जाए कि तुम तो जाति जाति के नाम पर लड़ाते थे समाज को, आतंकवादियों की पैरवी करते थे, गरीबों की पैरवी नहीं करते थे, किसानों की पैरवी नहीं करते थे, दलितों और वंचितों की पैरवी नहीं करते थे, और केंद्र सरकार पैसा दे रही उस पैसे का उपयोग भी नहीं करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों यूपी में चिपको आंदोलन चल रहा है, यहां पर कांग्रेस भी इसी आंदोलन का एक हिस्सा है, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बेगानी शादी में अब्दुल्ला बताया। उन्होंने कहा कि एसपी कहती है कि राहुल कभी पीएम नहीं बन सकते। ये भी कहा कि सांप का बच्चा सांप का होता है, कभी नेवला नहीं बन सकता, वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ सकता। मुझे तो आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता को जब मैं देखता हूं तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना उछल उछल करके जबरदस्ती जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल हमारे नेता नहीं हो सकते क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बनाया जाए, वो हमारे गठबंधन का नहीं है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती चिपके जाते हैं। चिपको आंदोलन एक उत्तर प्रदेश के अंदर नया चल रहा है। बसपा कहती है कि नहीं, सपा से हमारी दूरी वैसी है, पता नहीं कितनी दूरी है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं महोदय, सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होता है, जहरीला ही होता है, सांप कभी नेवला नहीं बन सकता।
जिनके डंक मारने की आदत होगी ना, वो डंक ही मारेंगे। वही राहुल गांधी और गठबंधन पर सीएम योगी के बयान पर एसपी और कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एसपी एमएलसी संजय लाठर ने कहा कि सीएम को दलित और पिछड़े हमेशा से सांप छुचंदर ही नजर आते हैं, यही नहीं डंक मारकर उन्हें यही चुनाव में हराएंगे। मंत्री जी पहले भी पिछड़े और दलितों को सांप छुचंदर कह चुके हैं, पहले भी सांप और छुचंदर के नाम पर जिस तरह दलित पिछड़ों को उन्होंने कहा था, गोरखपुर में, कैराना में, नूरपुर में और फूलपुर में उनको डंक मार के दिखा दिया था, और अगले लोकसभा चुनाव में दलित और पिछड़े जरूर इनको डंक मार के दिखाएंगे, और ऐसा डंक मारेंगे किसी से किसी को कहीं इलाज करा ले बच नहीं पाएंगे ये लोग। वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी में हो रही उपेक्षा से नाराज होकर समाजवादी सेकुलर मोर्चे का गठन किया है। मंगलवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की थी, जिसके बाद शिवपाल सिंह ने कहा कि वो समाजवादी सेकुलर मोर्चा के जरिए छोटे छोटे दलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पार्टी में उपेक्षित लोगों को भी इस मोर्चे में जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने इशारों ही इशारों में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नसीहत दी और कहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलाकातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और चारों ओर जो एक नाम है वो शिवपाल सिंह यादव का है। कल शाम को एक मुलाकात आपने की है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बने ना बने एक अलग गठबंधन आप बना सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से आप मिले हैं, पहले भी बनारस में भी मिले, मुलाकातों का कारण क्या है सर? देखिए, जितने भी उपेक्षित लोग हैं और छोटे छोटे दल हैं, तो जो भी उपेक्षित हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है उनको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया है। उसके तहत हम सबको काम देना चाहते हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है तो उन्हें काम दे रहे हैं और अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। आपका संगठन समाजवादी सेकुलर मोर्चा है, आप कह रहे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा उनको आप काम दे रहे हैं, सर क्या शिवपाल सिंह यादव इस मोर्चे के जरिए समाजवादी पार्टी को परेशान कर सकते हैं? देखिए, हम तो करना चाह रहे हैं जो बहुत खून पसीने से पार्टी बनी है और बहुत लंबे संघर्ष के बाद से यह नेताजी के नेतृत्व में पार्टी बनी है। इसमें बड़े बड़े नेता रहे हैं, थे बहुत मजबूत हो और ये विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी रहे, तो फिर जब उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी में, उपेक्षा हो रही है जिनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो हम काम दे रहे हैं उनको। सर आपने कई नाम लिए, लेकिन जितने नाम लिए आज समाजवादी पार्टी में कहाँ हैं? मुलायम सिंह यादव जी को एक तरीके से संरक्षक कह दिया गया है, उनकी कोई भूमिका नहीं रह रही है, कहीं ना कहीं आप भी उपेक्षित हैं, इस बात को आप भी स्वीकारते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब बड़ों को या जो जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उनकी उपेक्षा हो रही है, तो क्या पार्टी इससे आगे सफलता प्राप्त कर सकेगी? आपने कहा था विधानसभा चुनाव में भी हार का कारण यही है कि लोगों की उपेक्षा होना, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं उनको न जोड़ना। देखिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, अगर उनकी उपेक्षा होगी तो कहीं न कहीं कमजोरी आएगी, तो सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए बड़ों से। आपके नेतृत्व में जब पिछली बार चुनाव हुए थे आप प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव जी रैली निकाले थे, उसकी पूरी की पूरी जो डिज़ाइन थी वो आपने की थी कि कैसे कैसे किन किन जिलों में रैली को पहुंचना है। 19 तारीख से वो फिर साइकिल रैली निकालने जा रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी है आपको या इस बारे में कोई सलाह मशवरा किया गया कि कैसे चुनावी तैयारी में उतरा जाए? अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे अभी समाजवादी पार्टी में कोई भी सूचना नहीं दी जाती है, कहीं पर भी पार्टी बैठक होती है कहीं निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने अपना समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन किया है। सर एक आखिरी सवाल पूछ लूँ, सर कल अमर सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके मित्र भी रहे हैं, आपका नाम लेकर ये भी कहा था कि भाजपा की टॉप लीडरशिप से उन्होंने कभी आपके लिए कोई मीटिंग फिक्स की थी, आप नहीं गए, आपने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, क्या कारण था? देखिए, उन्होंने मुझसे बात की थी, टेलीफोन भी आया था,
उन्होंने बात भी कराना चाहते थे तो मैंने उनसे एक दिन पहले मना किया था, अभी मैं समाजवादी पार्टी में ही वोट करेंगे और अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो बाद में बात करिए। तो मैंने उस समय उनकी बात को नहीं माना था। और उसके बाद ऐसी कोई कभी बात नहीं हुई? फिर ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक आखिरी चीज़ सर, जो मैं पूछा था जिस बात का जवाब नहीं मिल पाया, कि आपके समर्थक आपके ऊपर नज़र टिकाए बैठे हैं, हर जगह जाते हैं, आपके समर्थक आपसे सवाल पूछते हैं कि आप अगला बड़ा फैसला कब लेंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं तो यही सोच रहा था और हमारे मन में था कि समाजवादी पूरा परिवार एक रहे। मेरा यही प्रयास था और है, और फिर समय बताएगा। शिवपाल सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी उनकी कोशिश है कि परिवार एक हो, पार्टी एक हो, और इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए लोगों से भी बात कर रहे हैं। फिलहाल जो उनके समर्थक हैं, जिनको कोई पद नहीं मिल रही, कोई जगह नहीं मिल रही, उसके लिए उन्होंने एक मोर्चा बनाया है और वो लोगों को, जो कि खुद वो कह रहे हैं कि उपेक्षित हैं, ताकि उनको कोई जिम्मेदारियां मिल सके। कैमरा पर्सन देशराज के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाने का ऐलान करते ही उनका विरोध भी शुरू हो गया। एसपी के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव के समाजवादी सेकुलर मोर्चे का विरोध किया। बता दें कि शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने समाजवादी सेकुलर मोर्चे का गठन किया है उन नेताओं को काम देने के लिए, जिन नेताओं को पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिल पा रहा वो इस मोर्चे के साथ जुड़ सकते हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता यहां उतरे, लामबंद हुए शिवपाल यादव के खिलाफ। हम मान राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के अखिलेश जी के साथ हम। शिवपाल जी के जाने से कोई अफसोस नहीं होगा? नहीं, कोई अफसोस नहीं। हम लोग चाहेंगे कि माननीय श्री शिवपाल यादव जी हम लोगों से अलग ना हो और हम लोगों के साथ 2019 के चुनाव में एक साथ होकर, एकजुट होकर एक नई पहल बनाएं, उसके बाद हम लोग एक साथ काम करें। और अफसोस हमें ये होगा अगर बाई चांस माननीय श्री शिवपाल यादव जी अगर कहीं बाई चांस इधर उधर हुए तो बहुत अफसोस होगा। पूरा संगठन मैम एक है, समाजवादी पार्टी 2019 में लोकसभा चुनाव पूरा संगठन एक ही लड़ेगा और आने वाले समय में हम यही कामना करते हैं समस्त कार्यकर्ता समाजवादी वाले कि शिवपाल चाचा और माननीय अखिलेश यादव जी सब एक ही जुट होकर एक ही मंच पर आकर के 2019 का चुनाव लड़े और बीजेपी को करारी हार दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव के हमलों और बयानों के बाद अब बीजेपी पर शक जाहिर किया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था और अब शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी से अलग एक मोर्चा बना लिया, जिसके बाद इन सब के पीछे अखिलेश यादव बीजेपी पर शक जाहिर कर रहे हैं। ऐलान कर दिया शिवपाल जी ने, वो कह रहे सपा में जो लोग उपेक्षित हैं वो मेरे साथ आ जाएं, हम पूरा सम्मान देंगे। उत्तर प्रदेश का जैसे जैसे चुनाव आएगा करीब और देश का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बीजेपी है क्या इसके पीछे? बीजेपी है क्या? इस बात को मैं नहीं कहता हूं, अगर आज और कल की बात मिला लें तो शक तो कहीं ना कहीं होता ही है। कोई नुकसान तो नहीं होगा समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह ये आगे बढ़ती जाएगी। वहीं बीजेपी की तरफ से शिवपाल यादव को शुभकामनाएं दी गई। कहा गया कि प्रदेश में चाहे जितनी पार्टियां बन जाए, जीत तो बीजेपी की ही होगी। शिवपाल यादव जी ने अगर अपनी कोई पार्टी बनाई है तो वह भी बना सकते हैं और आप भी अपनी कोई पार्टी बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी राजनीतिक दल या नेता या व्यक्ति अपनी कोई पार्टी बना रहे हैं हमारी शुभकामना है, लेकिन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश में कमल ही खिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के काशी के कार्यकर्ताओं से संवाद का यह तीसरा दिन है। इसके तहत पीएम ने अलग अलग मोर्चों, प्रकोष्ठ, प्रकल्प विभाग के पदाधिकारियों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और पार्टी समर्थकों के साथ बात की। पीएम मोदी ने
टीम काशी के समन्वय पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से बतौर सांसद फीडबैक लिया। इस दौरान ऐसे एक कार्यकर्ता आनंद श्रीवास्तव ने मिर्जापुर हाईवे को 4 लेन करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। आनंद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। पीएम ने उनकी इसी आदत पर चुटकी ली, कहा कि आनंद जी आप सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, मुझे पता है आप सकारात्मक चीजें फैला रहे हैं, वरना आजकल तो ज्यादातर लोग गंद ही फैला रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पद के लिए काम ना करें। पीएम मोदी का काशी के कार्यकर्ताओं से इस तरह सीधे संवाद का सीधा मकसद ये जानना था कि उनका संसदीय क्षेत्र बनारस बीते 4.5 सालों में कितना बदला। टेलीमेडिसिन के द्वारा कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स को भी काशी के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि सुदूर क्षेत्रों में भी जो लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा पाए। बनारस में जल्द ही एक हेल्थ वेलनेस सेंटर भी खुलने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS डिस्पेंसरीज भी खुली हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि आज भारत में हजारों डॉक्टर मुफ्त सेवा देकर प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य सुधार में प्रोएक्टिवली सक्रिय योगदान दे रहे हैं। और यूपी 360 में अभी इतना ही, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।